इस वीडियो में सीखेंगे हम समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा समीकरण फर्स्ट दिया है, सेकंड समीकरण दिया है। तो फर्स्ट समीकरण दिया है हमें x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, समीकरण एक। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 4, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे हल करते हैं इसको, तो हम करेंगे क्या, देखिए दोनों साइड आपको यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर 4 है, यहाँ पर क्या है x प्लस y, यानी इसमें चर अचर दोनों मिक्स है और इसमें सिर्फ चर है अचर नहीं है। तो हमें दोनों को एक साइड करना हो, यानी एक एक जैसे करना होगा, ठीक ना, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए करते हैं, क्या करेंगे हम, यहाँ दो लेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दो लेना है हमें, यहाँ पर तो दो देंगे, तो क्या करेंगे हम दो को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक। अब प्लस है तो प्लस देंगे हम, फिर दो को y से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, ठीक भाई। अब देखिए क्या करेंगे हम, बराबर देंगे, ठीक। अब देखिए पांच को फिर दो से गुना करेंगे, पांच गुना कितना हो जाएगा 10। आप बोलेंगे सर आप इसमें नहीं लिए, देखिए इसमें इसने लिए रहे हम, कि यहाँ पर देखिए अचर नहीं है, इसमें अचर है इसलिए, ठीक। और ये समीकरण सेम का सेम उतरेगा, दो का 2x माइनस है तो माइनस, और 3y है तो 3y दे दिए हम, बराबर 4, ठीक। और क्या करेंगे हम, यहाँ से एक लकीर मार देंगे, ठीक। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो प्लस में है तो यहाँ उसका उल्टा माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस छुपा रहता है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए ये 2x प्लस में, ये 2x प्लस में, तो कट जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ये भी प्लस में है, हम नहीं लिखे आपको। और देखिए ध्यान देना, अब बात ये है आपको, ये प्लस 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 प्लस, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 वाई बराबर, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में 6 का टाइम कितना हो जाएगा 6, चीन बड़े वाले का होता है तो 6 हो जाएगा। तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 6/5, क्योंकि देखिए 5 और y के बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है, जब गुना रहता है पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाता है, यानी बट्टे में, तो y का मान निकल के आप क्या करेंगे हम, तो x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण एक में y का मान रखने पर, ओके समझ में आ रहा है, रखने पर, आप दो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक। देखिए आप क्या करेंगे हम, तो समीकरण एक कितना है हमारा, देखिए x प्लस वाई बराबर 5, तो हम यहां लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। देखिए x का x देंगे हम, प्लस का प्लस देंगे, और y का मान कितना निकालें 6/5, तो 6/5 दिए बराबर 5। देखिए अब क्या करेंगे हम, तो x का x रन देंगे बराबर 5 का 5 देंगे, देखिए 6/5 क्या है प्लस में है, प्लस में बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो इसका उल्टा होता है, प्लस में रहे तो माइनस में, माइनस रहे तो प्लस में, तो 5 - 6/5 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए 5 को क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, एक है ना, 5 को 1 से गुना करेगा तो लघुत्तम 5 है, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 = 25, ठीक। आप क्या करेंगे हम, तो देखिए -6 तो -6, अब लघुत्तम क्या है 5 तो 5, देखिए आप क्या करेंगे हम, 25 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 19 आएगा, जी बिल्कुल 19 आएगा, तो 19 देंगे, अब बट्टा में कितना है 5 तो 5, एक तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक, और एक आंसर आ जाएगा आपका ये, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर न्यू वीडियो जो आए तो आप तक जल्दी पहुँचे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, वीडियो देखने के लिए अंत तक।